तो मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने संघ के सर संघ चालक मोहन भागवत के दिल्ली में इमाम से मुलाकात पर कहा कि संघ को भी समाज की मुख्य धारा में आना चाहिए। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में भागवत के शामिल होने पर कहा कि भारत जोड़ो यात्रा देश को जोड़ने की यात्रा है। संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर के गरबा के पंडालों में अल्पसंख्यकों के प्रवेश पर पाबंदी के सवाल पर पूर्व मंत्री ने यह भी कहा कि गरबा और पंडाल की सभी तकनीकी व्यवस्था अल्पसंख्यक वर्ग के लोग ही संभालते हैं और अगर उनका प्रवेश रोका गया तो गरबा ही बंद हो जाएगा। अब पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने मंत्री उषा ठाकुर को चुनौती देते हुए कहा है कि वो भी भोपाल में गरबा करवा रहे हैं और कोई पहचान पत्र नहीं लिया जा रहा है। उषा ठाकुर गरबा रोक कर दिखाएं। नया स्टेटमेंट आया है, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की जो पदयात्रा है उसकी तारीफ की है और कहा है कि उनको हल्के में नहीं लिया जाए। ठाकुर जी केवल बोलती रहती हैं, ये कोई इनके पास कोई कंसेप्ट नहीं इसका। और गरबे में जो लाइट लगती है, जो स्टेज लगती है, जो टेक्निकल काम होते हैं, ये सब माइंडी समाज के लोग करते हैं। तो अगर ये सब चीजें रोक दी गई तो गरबा ही बंद हो जाएगा क्या? गरबा बंद करने का उद्देश्य है? ये जितनी टेक्निकलिटी की चीजें होती है वहां पर, वो सब व्यवस्थाओं का मामला माइंडी के हाथ में रहता है। हम भी करा रहे हैं भोपाल में गरबा, कोई पास नहीं, ओपन है, ये आके रोक ले ठाकुर जी।